वेलकम जी, मेरा नाम आरबिन सलीम है। आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो अनदर ट्रिप कम्स टू एंड, क्लोज टू द एंड। तो मैंने कहा आपसे कुछ लर्निंग्स जो हैं जो मेरी हुई मैं आपसे शेयर कर लूँ। सर कुछ तो बड़ी बेसिक लेवल की लर्निंग है, जिसमें सबसे पहले ये कि भाई जब मैं एयरपोर्ट पे आया तो मैंने मुझे यहीं से फ़ौरन जो है ना पैसे चेंज कराने पड़े अपने। एंड आई सजेस्ट कि आप ऐसे ना करें इफ़ इट्स पॉसिबल। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे जो आपको वर्थ पूरी मिल सकती है उसका 20-25% जो है वो आपको कम मिल रहा होता है, और वो मेरे साथ भी हुआ। तो आई सजेस्ट कि वो आप ऐसा ना करें, आप बाहर निकल के एक दफ़ा मार्केट में जाके चेंज करवाएं पैसे इफ़ पॉसिबल। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप सिम लेना चाह रहे हैं तो कोशिश ये करें कि यार आप एयरपोर्ट से सिम ना लें अगर पॉसिबल है। अगेन उसकी रीज़न ये कि यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड पैकेजेस जो हैं मिलते हैं वो तकरीबन एक महीने का होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू व्हाट यू कैन गेट वंस यू गेट आउटसाइड एंड गो टू द मार्केट। क्योंकि वहाँ पे आपको ज़ाहिर बात है आपका 7-8 दिनों का अगर स्टे है तो आपको एक महीने के पैकेज की ज़रूरत नहीं है। एंड यू कुड सेव मनी, विच ऑफ कोर्स मैं नहीं कर पाया क्योंकि मुझे फॉरेन से सिम लेनी थी। लेकिन अगर आप ऑफ कोर्स आप कोई पिक नहीं करने आया, यू हैव टू मैनेज इट ऑन योर ओन, तो डेफिनेटली यू नीड सिम। अच्छा, उसके बाद एक बात आ रही थी थोड़ी सी ज़रा ब्रॉडर लेवल पे। तो एक चीज़ ये कि जब आप बाहर आते हैं ना यार, तो आपको ज़रा थोड़ा सा ओपन टू न्यू आइडियाज़ होना होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे आया हूँ तो मैंने तकरीबन दुनिया के काफ़ी सारे ऐसे लोगों से मुलाकात हुई जो कि बड़े डिफरेंट छोटे छोटे ममालिक से, ख़ासतौर से यूरोपियन कंट्री से थे। और उनको जो है उनके आइडियाज़ फ़र्क हैं, उनका कल्चर फ़र्क है, उनकी एक्सपीरियंसेस फ़र्क हैं, उनकी लैंग्वेजेस फ़र्क हैं। सो यू हैव टू बी ओपन टू देम। अब अपने आप को ना ज़रा थोड़ा ओपन कर लें, अब हम क्लोज रह नहीं सकते, वी आर अ ग्लोबल सोसाइटी, हमने जो है रिप्रेजेंट करना है अपने मुल्क को, ठीक है। सो उनके आइडियाज़ को अगर आप ओपन होंगे तो वो भी ऑफ कोर्स आपके आइडियाज़ को जो है इवेंचुअली ओपन रहेंगे। तो ये ज़रा थोड़ा सा ना ज़रा इस चीज़ को एक्सेप्टिंग इसके होते हैं। सेकंड एक और चीज़ है कि जब आप बाहर आते हैं ना, तो आपसे कोई गलती हो या आपसे कोई अच्छी चीज़ हो तो लोग मेरा ख्याल है आपसे पर्सन से ज़्यादा कनेक्ट करने से ना आपकी नेशनैलिटी से कनेक्ट करते हैं, वो रिलेट करते हैं आप कहाँ से हैं। तो ये याद रखें कि जब आप बाहर आ जाते हैं ना तो फिर आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं यहाँ पे मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। कोई गलती मेरे से होगी तो लोगों ने कहना पाकिस्तानी सारे ऐसे हैं। कोई अच्छी चीज़ होगी तो लोगों का एक अच्छा इमेज डेवलप हो जाएगा पूरे मुल्क के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, अपने मुल्क को ब्रांड करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एवरी डे, अगर आप किसी इंटरनेशनल जगह पे बैठे हुए हो, ठीक है। क्योंकि लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे जब तक आपका एक अच्छा इमेज उनके दिमाग में नहीं आएगा आपके मुल्क के हवाले से। अच्छा, एक चीज़ है। दूसरा ये कि जो जिस किस्म के ये ममालिक हैं ना टर्की, इन ये लोग अंग्रेज़ी से बिल्कुल पैदल हैं, ठीक है। इन्होंने कोई कोशिश नहीं करनी अंग्रेज़ी सीखने की। यहाँ पर अगर आपने इवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी होगा ना तो आपको इंटरनेशनल हवाली मानी लिखा होगा, ठीक है। वो भी इंटरनेशनल भी अपने ही इंटरनेशनली हवाली मानी, यानी कि मतलब इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। सो ये देख लें कि ये कुछ ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने अंग्रेज़ी में ना इतनी उनको लिफ्ट नहीं कराई अंग्रेज़ी को, जो कि गलत है। मैं समझता हूँ कि गलत है। इंग्लिश बीइंग यूनिवर्सल लैंग्वेज, आपको सब कुछ इसमें ट्रांसलेट करना चाहिए क्योंकि हम सब लोग इंग्लिश ही सीख रहे होते हैं। तो खैर, अब हम क्या कर सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो की जा सकती है वो ये है कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में अपने आप को ना ज़रा काफ़ी ज़बरदस्त कर लें, ठीक है। क्योंकि गूगल ट्रांसलेटर आपको यूज़ करना पड़ेगा बार बार, उसके बगैर यहाँ पे आपका सर्वाइवल काफ़ी मुश्किल हो जाता है किसी ऐसे मुल्क में जहाँ पे इंग्लिश ना बोली जाती है, ख़ासतौर से जैसे टर्की है। और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे ऑफ कोर्स आपके लिए टैक्सी अफोर्ड करना इतना आसान नहीं होता, काफ़ी महंगी होती है टैक्सी। तो आपको जो है बार बार पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पर रिलाई करना पड़ता है, ट्राम्स हैं, ट्रेन हैं, बसेज हैं, फेरीज हैं। तो उसका बड़ा मज़े का सिस्टम है कि अगर आप उसको टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं तो आपको सारा पता चल जाएगा कितने बजे कौन सी बस आ रही है, कहाँ पे जा रही है, किस स्टॉप पे जा रही है और कैसे उतरना है वहाँ पे, ये सब चीज़ें। ये सारी चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी अगर आप टेक्नोलॉजी को सही तरह से इस्तेमाल करते हैं। एंड अगेन मेरी ये कुछ लर्निंग्स हैं। एक और चीज़ मैं बता दूँ कि मैं जब ये पॉइंट कह रहा हूँ कि यार आप दूसरे को सुने, उसका मतलब ये नहीं कि आप अपने स्टांस से हट जाएं। मैं यहाँ पे जिस कॉन्फ्रेंस पर आया हुआ था वहाँ पे इसराइल से भी लोग थे, उनका एक अपना ओपिनियन था अबाउट पाकिस्तान। इंडिया से भी थे, उनका अपना एक ओपिनियन था। दूसरे ममालिक से जिन्होंने कभी पाकिस्तान को इतनी लिफ्ट कराई ही नहीं है। सो इसका मतलब ये नहीं कि एक्सेप्टिंग होने का कि आपने अब जो है पाकिस्तान की जो है रिस्पेक्ट पर कॉम्प्रोमाइज़ कर देना, नहीं, आप अपने स्टांस पर कायम रहें लेकिन अपने एटीट्यूड से जो है ओवरऑल इतना मतलब शो करें अगले को कि यू आर विलिंग टू लिसन टू देयर पॉइंट ऑफ व्यू। एंड देन ऑफ कोर्स यू आर सपोज टू लेट देम नो कि आप क्या सोचते हो इस बारे में। अपना लाइक एक अच्छा रिलेशनशिप रख सकते हैं आप। सो ये दिमाग में रखें कि आप जहाँ पे भी हैं आप रिप्रेजेंट जो है अपने मुल्क को कर रहे हैं। तो खैर, अपना ख्याल रखें। कुछ लर्निंग थी मैंने कहा आपसे शेयर करूँ। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।